104 रन, 63 गेंद, एक चौका, 11 छक्के की बदौलत किंग्स इलेवन की टीम 20 ओवर में 3 विकेट पर 193 का विशाल स्कोर बनाने में सफल हो गई। पीसीए स्टेडियम में गेल ने अपनी बल्लेबाजी से क्रिकेट प्रेमियों को खुश कर दिया। उनकी चमक के आगे सनराइजर्स के सभी बल्लेबाज सहमे नजर आए। सनराइजर्स के स्टार लेग स्पिनर राशिद खान की तो गेल ने जमकर धुलाई की। गेल के अलावा पंजाब के लिए करुण नायर ने 31 रन की पारी खेली। गेल के साथ एरोन फिंच 8 रन बनाकर नाबाद रहे। मैच में पंजाब के कप्तान आर अश्विन ने टॉस जीता और पहले बैटिंग करने का फैसला लिया। जीत के लिए सनराइजर्स के सामने 194 रन बनाने की मुश्किल चुनौती है। पंजाब की पारी, गेल ने शतकीय पारी के दौरान की छक्कों की बारिश। टॉस जीतने के बाद किंग्स इलेवन की पारी लोकेश राहुल और क्रिस गेल ने प्रारंभ की। सनराइजर्स की ओर से पहला ओवर भुवनेश्वर कुमार ने फेंका जिसमें 2 रन बने। दूसरा ओवर क्रिस जॉर्डन ने फेंका जिसमें 6 रन बने। पारी के तीसरे ओवर की पहली गेंद पर राहुल ने भुवनेश्वर को चौका लगाया। अगली गेंद पर अंपायर ने राहुल को LBW दे दिया था, लेकिन रिव्यू की मदद से वे बचने में सफल रहे। ओवर में 5 रन बने। चौथे ओवर में क्रिस गेल ने छक्का और फिर चौका लगाया। ओवर में 12 रन बने। पांचवें ओवर में लेग स्पिनर राशिद खान को क्रिस गेल ने 2 छक्के लगाए। 5 ओवर के बाद स्कोर बिना विकेट खोए 38 रन था। सिद्धार्थ कौल की ओर से फेंके गए अगले यानी छठे ओवर में 11 रन बने। इसमें राहुल के 2 चौके शामिल थे। पंजाब के 50 रन 6.2 ओवर में पूरे हुए। 8वें ओवर में पंजाब का पहला विकेट लोकेश राहुल 18 रन 21 गेंद 3 चौके के रूप में गिरा, जिन्हें राशिद खान ने LBW किया। अगले ओवर में दीपक हुडा को गेल ने छक्का और मयंक अग्रवाल ने चौका लगाया। ओवर में 15 रन बने। समय के साथ गेल की बैटिंग रंग में आती जा रही थी। पारी के 10वें ओवर में उन्होंने शाकिब को छक्का जमाया। 10 ओवर के बाद स्कोर 1 विकेट पर 82 रन था। पारी के 11वें ओवर में सिद्धार्थ कोल ने मयंक अग्रवाल 18 को दीपक हुडा से कैच कराकर सनराइजर्स को दूसरी सफलता दिलाई। 12वें ओवर में करुण नायर और क्रिस गेल ने शाकिब को छक्का लगाया। ओवर में 14 रन बने। इसी ओवर में पंजाब के 100 रन पूरे हुए। 13वें ओवर में गेल ने अपना अर्धशतक पूरा किया। उन्होंने इस दौरान 39 गेंदों का सामना करते हुए 1 चौका और 5 छक्के लगाए। टूर्नामेंट में यह गेल का लगातार दूसरा अर्धशतक है। गेल के छक्कों की बारिश जारी थी। 14वें ओवर में उन्होंने राशिद खान को लगातार 4 छक्के लगाए। उनकी बल्लेबाजी के आगे सनराइजर्स के गेंदबाज असहाय नजर आ रहे थे। ओवर में 27 रन बने। राशिद खान की इस तरह धुलाई पहले कभी देखने में नहीं आई थी। 0.15 ओवर के बाद पंजाब का स्कोर 2 विकेट खोकर 143 रन था। 16वां ओवर भुवनेश्वर ने फेंका